रीवा की अमहैया पुलिस द्वारा फर्जी वेबसाइट बनाकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन से लगभग 10 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्य को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके पास से पुलिस ने 9,89,000 रुपए जब्त किए। तीनों अपराधी झारखंड के। रीवा पुलिस द्वारा फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के बैंक से पैसा निकालने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 9,89,000 रुपए इस दौरान पुलिस ने जब्त भी किए। ये रीवा में अपने डॉक्टर द्विवेदी हैं, इन्होंने 21/4/2022 को एक मैय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खाते से 10 लाख रुपये का फ्रॉड हो गया, किसी ने निकाल लिया है। उस पर से थाना अवैया में अपराध क्रमांक 154/22 धारा 420 के तहत पंजीबद्ध किया गया और उसको विवेचना में लिया गया। एसपी साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें साइबर की टीम, थाना प्रभारी अमैया के साथ में उनकी टीम, और इस तरह से उस टीम की पतासाजी के लिए लगाया गया। जानकारी लगी कि इसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है वो जामतारा झारखंड के रहने वाले हैं। वहाँ पर जाकर पुलिस के द्वारा तलाश किया गया, दबिश दिए गए, तो अलग अलग जगह से झारखंड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन आरोपियों के कब्जे से 10 लाख में से 9,89,000 रुपये, 6 ATM कार्ड और 3 पासबुक जब्त हुई हैं। आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी मैया और जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ साथ मेरे पास सिंगरौली से भी एडिशनल SP साहब का फ़ोन आया था, वहाँ भी कुछ घटनाएँ घटी हैं, उसके संबंध में वहाँ की पुलिस भी उससे पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है और ये कई राज्यों में इस तरह की गुट के रूप में वारदातें करते हैं, इनकी पूछताछ के बाद इन्होंने स्वीकार किया है कि एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं। एक कंप्यूटर का जो जानकार व्यक्ति होता है वो इनके ग्रुप का मेंबर होता है और वो बैंक और डिटेल संबंधी जानकारी जो जुटाई जा सके ऐसा एक वेबसाइट बनाता है और उसको गूगल पर अपलोड कर देता है। जब आपको या किसी व्यक्ति को अपनी बैंक संबंधी कोई जानकारी चाहिए है तो जब भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो इनकी वेबसाइट भी उसमें खुल जाती है। जब वो वेबसाइट खुलती है और गलती से अगर कस्टमर उसकी वेबसाइट पर क्लिक करता है और उसमें जो फ़ोन नंबर आता है और वो कस्टमर अगर फ़ोन लगाता है तो वो बैंक का कर्मचारी बनकर ये लोग क्या है कस्टमर से संबंधित जानकारी जान लेते हैं और जानकारी जानने के बाद इनसे एक फॉर्म भराते हैं ऑनलाइन ही जिसमें बैंक संबंधी सारी डिटेल होती है जिससे इनके पास सारी वो डिटेल पहुँच जाती है। डिटेल आने के बाद फिर ये उससे कस्टमर के सारा जो पैसा रहता है अकाउंट में अपने साथियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उससे फिर इसको ATM के माध्यम से निकाल लेते हैं या फिर उसका ऑनलाइन परचेजिंग में यूज कर लेते हैं। इस तरह से ये क्राइम करने का इनका तरीका था, इस तरीके को अपनाते हैं। रीवा पुलिस की तरफ से जो टीम गई थी उस पुलिस टीम में साइबर सेल के गौरव मिश्रा सब इंस्पेक्टर हैं जो अमैया थाने के थाना प्रभारी और बाकी साइबर टीम के द्वारा अमैया थाने की अन्य टीमों के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इन सभी को बहुत अच्छे से पुरस्कृत किए जाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश हुआ है कि इनको पुरस्कृत किया जाएगा और इसके अलावा भी और इससे जुड़े और जो तार हैं और इस तरह की जो और वारदातों का खुलासा है वो भी भविष्य में संभव है हो जाए।